आर्क लेंथ। डियर स्टूडेंट इसको क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। बात को जरा तसल्ली से समझिएगा। अब रेडियस, आर्क लेंथ और थीटा को हमने रिलेट करना, या वैसे कह लें कि ये आर्क लेंथ जो है ये इसका लीनियर डिस्टेंस है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। हम यहां पे क्या चाहते हैं, हम यहां पे जी रिलेशन देखना चाह रहे हैं, ऐसे समझे हेडिंग ही दे लेते हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हमने अब समझना है। डियर स्टूडेंट घबराना नहीं है आपने, आप इस आर्क लेंथ को देखें, ये आर्क लेंथ क्या है, लीनियर बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और थीटा क्या है, एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है। अब डियर स्टूडेंट्स मैं यहां पे आपको एक और सर्कल बना के देता हूं, इसकी आर्क लेंथ को जेन में रखें जरा। मैं एक और सर्कल बनाता हूं, वो ये है जी आपके पास। अब इस सर्कल का सेंटर ये है, इसमें पहला पॉइंट ये स्टूडेंट्स ये वाला है P, और दूसरा पॉइंट जो है वो ये वाला है P डैश। अब डियर स्टूडेंट इसमें थीटा ये है, रेडियस रेडियस। अब एक बात यहां पे जरा गौर से देखें, क्या ये जो पहला सर्कल है इसकी आर्क लेंथ और इसकी आर्क लेंथ बराबर है, बिल्कुल भी बराबर नहीं है। इसकी आर्क लेंथ ज्यादा है, इसकी आर्क लेंथ क्या है, कम है। जब आर्क लेंथ बढ़ रही है तो यहां पे थीटा भी क्या है, बढ़ रहा है। तो बेसिकली यहां पे आपने बात ये सीखनी है कि जैसे ही आर्क की लेंथ या जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ेगा, तो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाएगा। बात को दोबारा से देखें, इस सर्कुलर पाथ में आर्क लेंथ कम है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कम है, इसमें आर्क लेंथ ज्यादा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा है। तो आप यहां पे कह सकते हैं कि आपके पास जो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। मतलब S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है। S क्या है, आर्क लेंथ है, इसको कह लें यहां पे ये S है, ये आर्क लेंथ है, ये भी क्या है, आर्क लेंथ है। ये थीटा के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को आपने खत्म करना है तो कर दें, किसने आपको रोका है, S इज इक्वल टू यहां पे कांस्टेंट लगाएं थीटा। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास रिलेशन आ गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, S इज इक्वल टू आर थीटा। ये आपने मैथ में भी पढ़ा हुआ है बचपन में। यहां पर अगर आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो थीटा आ गया एस ओवर आर। ले जी, ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट।